हरे कृष्णा। आज हम बहुत ही रोचक विषय पर चर्चा करने वाले हैं, मृत्यु के समय क्या होता है। तो आप कहेंगे बड़े आए, जैसे मुझे मृत्यु का कोई अनुभव हो। तो क्या ये सच है? क्या हमें मृत्यु का कोई भी अनुभव है? तो इसका उत्तर है हाँ, हम सबको ये अनुभव है। हमने कई बार इसका अनुभव किया है, एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरा शरीर, 84 लाख शरीर हमने बदले हुए हैं। और गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब एक आत्मा एक शरीर को छूटती है तो इतना दर्द होता है मानो एक साथ हजारों बिच्छू काट रहे हो। वाह, वेरी वेरी पेनफुल। इसीलिए हम मृत्यु के नाम से भी कांप जाते हैं। सो एनीवे, इतना सारा दर्द तो होता है, उसके अलावा और क्या होता है? हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद ये कहते हैं कि जब व्यक्ति की मृत्यु आती है तो उसका पूरा जीवन उसके सामने एक फ्लैश झलक की तरह सामने आता है। उसने अपने पूरे जीवन में जो भी कर्म किए हैं, अच्छे कर्म बुरे कर्म, उसका परिवार, उसके मित्र, सब कुछ, जिस वस्तु या व्यक्ति से उसकी सर्वाधिक आसक्ति होती है, उसका सूक्ष्म शरीर जो कि मन बुद्धि और अहंकार का बना हुआ है, उसको मतलब आत्मा को उसके मन में जो भी इम्प्रेशंस, जो भी आसक्ति बनी हुई है, उसके अनुरूप दूसरे शरीर में ले जाता है। जैसे जब व्यक्ति सोता है तो उसने पूरे दिन में जो भी कार्य किए हैं, जो भी वो सोचा हुआ है, उसके अनुरूप उसको स्वप्न आते हैं। मृत्यु के समय भी ऐसा ही होता है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन मांसाहार किया है, उसको मांस खाने में बहुत आसक्ति है, तो उसको नेक्स्ट लाइफ में एक भेड़िए का या शेर का शरीर दिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को तैरना बहुत पसंद है तो उसे नेक्स्ट लाइफ में मछली का शरीर मिलेगा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि कृष्ण बहुत दयालु है, वे हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। अगर हमें यही करना है तो कृष्ण हमसे कहते हैं कि तुम मनुष्य शरीर में ये क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें एक ऐसा उपयुक्त शरीर दूंगा जो मनुष्य से श्रेष्ठ है वो विशेष कार्य को करने के लिए। इसीलिए कृष्ण भगवद्गीता में कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिस भाव से व्यक्ति शरीर को छोड़ता है उसी प्रकार का शरीर उसे अगले जीवन में मिलता है। परंतु जो व्यक्ति कृष्ण की भक्ति सेवा में जुड़ा हुआ है उसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है, क्योंकि उसकी चेतना में कृष्ण है, क्योंकि वो भगवान का नाम ले रहा है, उनकी सेवा में जुड़ा हुआ है। तो जब उसकी मृत्यु होगी तो उसे क्या याद आएगा? ऑफकोर्स कृष्ण ही याद आएंगे। फिर उसके साथ क्या होगा? कृष्ण कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। जो व्यक्ति अपने अंत समय में मुझे याद करते हुए मामेव अपने शरीर का त्याग करता है, कलेवरम, ऐसा व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है, मद्भावम, और इसमें कोई संशय नहीं है, गारंटीड 100%। और सातवें अध्याय में भी कृष्ण कहते हैं, देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि, जो मेरा भक्त है वो केवल मेरे पास ही आता है। और कृष्ण के धाम जाने का, कृष्ण के पास जाने का क्या लाभ है? कृष्ण बताते हैं, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें, तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666-839-839।